Uh, अंकिता जैसे कि अभी आप कह रहे हो कि झगड़े काफ़ी हुए हैं ऑफकोर्स झगड़े हुए हर कपल में होता है बट आप लोगों की वजह से फैंस को मैनिपुलेशन गैस लाइटिंग रेड फ्लैग इनसिक्योरिटी ये सारे वर्ड्स एक्चुअली पता चल गए हैं एंड अंकिता जिस तरह से आप इतनी अपोलोजिटिक हो जाती है अपनी किसी भी इमोशंस को लेकर वो क्यों होती है और इसका रीज़न ये है कि इनसिक्योर आप इसलिए है क्योंकि पास्ट में जो शायद आपके साथ हुआ है आप एक और रिश्ता नहीं खोना चाहती हैं जी हाँ मुझे ऐसा लगता है कि आपके एक्सपीरियंस की वजह से कहीं ना कहीं आप वो लेकर चल रहे हो विच इज़ नॉट अ गुड थिंग नॉट एट ऑल बट येस ऑफकोर्स मुझे है अपने लोगों को खोने का डर और विक्की मेरे लाइफ का एक सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है ऑफकोर्स आई मीन उस वजह से कहीं ना कहीं मैं विक्की को भी हमेशा इसलिए सॉरी बोलती हूँ कि मेरी वजह से कहीं ना कहीं वो तुझ पे आती है चीज़ क्योंकि मेरे साथ जो इंसिडेंट मैं बोलना नहीं चाहूँगी जो भी मेरे पास में हुआ है वो मैं बैगेज कहीं ना कहीं अपने साथ लेकर चल रही हूँ और उस वजह से वो विक्की पर भी असर आ जाता है एंड अगेन यू नो आई 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 रियली फील बैड फॉर हिम क्योंकि मेरे उस नेचर की वजह से वो उसको बहुत अफेक्ट करता है तो यस बट यू शुड अप टू यू अंकिता बट विकी कहीं ना कहीं हमें ये लिखता है कि शायद ही इनसिक्योरिटी का फायदा उठाते हैं वो मैनिपुलेशन आप कर देते हो कि तुम मेरे साथ ये गलत करे हो क्योंकि आप जानते हो कि कहीं ना कहीं अंकिता उस बात से हर्ट है या उस तरह की वो पॉलिटिटिक है अपने पास्ट को लेकर क्या ये सही है मैम अंकिता इतनी स्ट्रांग लड़की है ना कि अगर उसको नहीं कोई चीज लगेगी ना तो आप उससे कुछ नहीं बुलवा सकते कोई कुछ नहीं बुलवा पाया आज तक मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम शायद एक सीन देखते हैं बट हमारी ये लाइफ है हमारी जिंदगी है तो हम उसको ओवरऑल हम सबको पीछे से पता होता है कि हम कहाँ गलत हैं लेकिन हम कई शब्दों में उनको बोलना नहीं चाहते इज़ जस्ट दैट सॉरी इज द ओनली फॉर्म जो हम एक दूसरे को बोलते रहते हैं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं उसको पता है कि मैं बहुत लेट गो चीज़ों को कर देता हूं शायद चीज़ों को शायद हमारा उनके में डिस्कशन भी नहीं होता बट अंकिता शायद छोटे छोटे इमोशंस को शब्दों में बोल देती है तो उसकी वजह से अगर कोई चीज़ होती है तो हम दोनों के अपने तरीक़े लड़ना झगड़ना बोलना सॉरी ये सब हमारा Uh, एक दूसरे के वापस पास आने का पार्ट है वो डेफिनेटली टेलीविजन में जज किया जा रहा है बट इवेंचुअली सब बस इंपॉर्टेंट ये है कि हम हर चीज़ों के बाद एक दूसरे के पास आ जाते हैं चाहे तरीका किसी भी तरीके का हो बट रिजल्ट हम दोनों के लिए बहुत अच्छा है कि हम दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं किसी भी तरीके से गलती होगी मैं हंड्रेड सॉरी बोलूंगा

serials on sets to personal interviews and fun segments with actors subscribe to telebytes right away